मजीद एजुकेशनल एंड जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि PSC और JST के बारे में न्यू मिली, हमें सोचा कि आपसे शेयर करते चलें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें ताकि आपको ऑथेंटिक और फ्रेश न्यूज़ देते रहें, ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन बराए कामयाब उम्मीदवार मर्द और औरत, प्राइमरी स्कूल टीचर 40-54 मार्क्स उठाने वालों के लिए 3 फाइल अटेस्टेड किए हुए नीचे दिए हुए तारीख तक जमा करवाएं। गलत मालूमात फराहम करने वाले कैंडिडेट्स को भर्ती के टाइम पर खास तसव्वुर किया जाएगा। हर एक फाइल के साथ चेक लिस्ट लाजमी और मुकम्मल मालूमात के साथ लगाई हुई हो। दूसरी सूरत में उम्मीदवार से फाइल नहीं ली जाएगी। नोट, हर एक फाइल के ऊपर उम्मीदवार अपनी बुनियादी मालूमात ज़रूर लिखे, जैसे कि नाम, वालिद का नाम अगर फीमेल मैरिड है तो अपने शोहर का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर, तहसील, मोबाइल नंबर, IBA की तरफ से जो सीट नंबर दिया गया था। नंबर 1, मुकम्मल नाम जो मेरिट के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है और वो आपके NIC से भी मैच हो। नंबर 2, वालिद शोहर का नाम। नोट, अगर शादीशुदा खवातीन उम्मीदवार अपने वालिद के नाम के साथ शोहर का नाम भी ज़रूर लिखें। इसी तरह मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपके वालिद का नाम लिखा है और वो शनाख्ती कार्ड के साथ भी मैच हो रहा हो, ये शर्त शादीशुदा खवातीन के लिए लाजमी है। नंबर 3, नादरा से जो शनाख्ती कार्ड इशू किया हुआ है उस कार्ड के नंबर्स वाज़ तरीके से लिखे हुए हों। नोट, IB पोर्टल पर फॉर्म भरने वक्त अगर शनाख्ती कार्ड का नंबर गलत लिख दिया गया है या कोई एक गलती हो गई हो तो आप अगली सूरत में वहां पर मौजूद फोकल पर्सन से फाइल पर नोट लगवाएं, जिसकी तस्दीक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के सामने साबित करेगा। नहीं तो दूसरी सूरत में उम्मीदवार की फाइल भर्ती के टाइम पर खारिज कर दी जाएगी। नंबर 4, जो उम्मीदवार पहले ही JST में कामयाब हो तो वो अपना स्कोर और IBA सीट नंबर लाजमी लिखें। नंबर 5, IBA की तरफ से दिया गया सीट नंबर और रोल नंबर वाजिर करके लिखें। नंबर 6, इम्तिहान में लिए गए मार्क्स का तादाद लिखें। नंबर 7, उम्मीदवार के UC यूनियन काउंसिल का नाम। नोट, UC का नाम उम्मीदवार के परमानेंट एड्रेस से लाजमी मैच हो। नंबर 8, उम्मीदवार के तहसील का नाम जो उसके परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल से लाजमी मैच करे। अगर किसी का नाम IBA की तरफ से जारी की हुई लिस्ट से अलग है तो वो फाइल जमा करने के टाइम पर वहाँ पर फोकल पर्सन से अपनी फाइल पर नोट ज़रूर लगवाएं, जिसकी तस्दीक आगे सिलेक्शन कमेटी करेगी। नहीं तो दूसरी सूरत में उम्मीदवार का फाइल भर्ती के टाइम पर खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 9, रबते के लिए कम से कम 2 नंबर्स लाजमी लिखें ताकि किसी भी उम्मीदवार को उसकी फाइल से आगाह किया जाए। नोट, एक नंबर आपका व्हाट्सएप ज़रूर हो। नंबर 10, रबते के लिए एड्रेस का लिखना लाजमी नहीं, वो आपके शनाख्ती कार्ड के आरजी या परमानेंट एड्रेस से मिलता हो। ऊपर दिए गए पॉइंट्स चेक लिस्ट का ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल चुके, नीचे दिए हुए हिस्से पर टिक लगाकर मुकम्मल कर लें। शुक्रिया। मजीद एजुकेशनल एंड जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।